मैं वरुण बाबुल गोसाईगांव समाचार से, गोसाईगांव समाचार के न्यूज सुपर फास्ट बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जाने नौगछिया भागलपुर सहित आसपास जिलों की प्रमुख खबरें। नवगछिया NH 31 मकनपुर चौक पर बड़ा हादसा, गिट्टी लोड ओवरलोड ट्रक पलटा, 3 टेम्पो दबकर हुआ चकनाचूर, 1 टेम्पो का चालक घायल। गोपालपुर थाना क्षेत्र के NH 31 पर गुरुवार की सुबह 5:30 बजे भागलपुर से पूर्णिया की ओर जा रही गिट्टी से भरी ओवरलोड ट्रक के अनियंत्रित होकर पलटी मार दी। इस दुर्घटना में मकनपुर चौक पर पहले से खड़े 3 टेम्पो ट्रक के नीचे दबकर चकनाचूर हो गया। 1 टेम्पो का चालक गोपालपुर थाना क्षेत्र के गोसाईगांव निवासी संजय यादव भी ट्रक के नीचे दब गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों द्वारा घायल चालक को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल लाया गया, जहाँ प्राथमिक उपचार के बाद घायल की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मायागंज भागलपुर रेफर कर दिया गया। वहीं मौके पर लोगों ने बताया कि टेम्पू पर ट्रक के पलट जाने से मकनपुर चौक पर अफरा तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दुर्घटना के बाद आशंका थी कि ट्रक के नीचे 4 से 5 लोग दब भी गए हैं, जिसको लेकर स्थिति भयावह बनी हुई थी। मकनपुर चौक पर ट्रक के पलट जाने के बाद टेम्पू के दब जाने की सूचना मिलने पर नौगछिया थानाध्यक्ष राज कपूर कुशवाहा, गोपालपुर थानाध्यक्ष श्रीकांत भारती, गोपालपुर अंचलाधिकारी मोहम्मद फिरोज इकबाल आलम, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी हिया रिशुल हेम्ब्रम, पीओ कौशल राय, सत्येंद्र कुमार सिंह प्रमुख प्रतिनिधि, मुकेश सिंह मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने क्रेन मंगवाकर ट्रक को सीधा किया और दोनों टेम्पो को बाहर निकाला। जब लोग कंफर्म हो गए कि ट्रक के नीचे कोई नहीं है, तो उसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि ट्रक पर गिट्टी लदा था, वह तेज गति से पूर्णिया की ओर जा रही थी। मकनपुर चौक पहुंचने पर ट्रक पर ओवरलोड होने के कारण ट्रक का पिछला पहिया ब्लास्ट हो गया। ट्रक का पहिया ब्लास्ट होने के बाद ट्रक अनियंत्रित होकर पलटी मार दी, जहाँ पहले से मकनपुर चौक पर खड़ी 3 टेम्पो ट्रक के नीचे आ गया। ट्रक के नीचे आए 3 टेम्पो में 2 टेम्पो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि 1 टेम्पो जिस पर संजय बैठा हुआ था वह आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है, जबकि सिंधिया मकनपुर निवासी गोविंद कुमार एवं नंद किशोर शाह का टेम्पो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। दुर्घटना के बाद ट्रक चालक भागने में सफल रहा। वहीं गोपालपुर थाना अध्यक्ष श्रीकांत भारती ने कहा कि दुर्घटना में 2 टेम्पो क्षतिग्रस्त हुए हैं, 1 ऑटो चालक घायल है, जिसका इलाज मायागंज अस्पताल में चल रहा है। दुर्घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। दुर्घटनाग्रस्त सभी वाहनों को जब्त कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि ट्रक पूर्णिया जिले का था, पुलिस ने उप चालक को पकड़ लिया था, जिसे PR बॉन्ड भरकर छोड़ दिया गया है। चाय पीने नहीं गए होते तो चली जाती जान। गुरुवार की सुबह मकनपुर चौक पर हुए हादसे में एक बार तो लोगों को हिलाकर रख दिया। 2 टेम्पो के पूरी तरह दब जाने के बाद लग रहा था कि टेम्पो पर कोई बैठा तो नहीं है, लेकिन जब ट्रक को हटाया गया तो लोगों की जान में जान आई। मालूम हो कि सुबह मकनपुर चौक पर भागलपुर सवारी ले जाने के लिए टेम्पो खड़ी थी, संयोग से उस पर एक भी सवारी नहीं बैठा था। यहाँ तक कि दोनों टेम्पो का चालक भी चाय पीने के लिए गया हुआ था, जिस कारण बड़ा हादसा होते होते बच गया। लेकिन दोनों टेम्पो को गिट्टी और ट्रक के दब जाने से लोगों में यह चर्चा का विषय था कि कहीं टेम्पो पर कोई बैठा तो नहीं था। यह देखने के लिए वहां भीड़ उमड़ पड़ा। मालूम हो कि इससे पूर्व हुए मकनपुर चौक पर इस तरह की दुर्घटना हो चुकी है। 4 वर्ष पूर्व मकनपुर चौक पर ट्रक सड़क किनारे स्थित होटल पर पलट गया था। इस दुर्घटना में 2 लोगों की मौत भी हुई थी। नवगछिया DEO मधुसूदन पासवान ने किया कई विद्यालयों का औचक निरीक्षण। DEO मधुसूदन पासवान ने गुरुवार को सैदपुर के 3 विद्यालयों, क्रमशः आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर, इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट विद्यालय सैदपुर व उच्च विद्यालय सैदपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद उन्होंने बताया कि आदर्श मध्य विद्यालय सैदपुर में प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षक उपस्थित थे, बच्चों की उपस्थिति भी संतोषजनक बताया। चावल के अभाव में मध्यान्ह भोजन बंद रहने की जानकारी उन्हें दी। इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट विद्यालय के प्रधानाध्यापक व 1 सहायक शिक्षक तथा उच्च विद्यालय सईदपुर के प्रधानाध्यापक बिना आवेदन के अनुपस्थित रहने की उन्हें जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंटर स्तरीय प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय के प्रांगण में 100 छात्राओं के लिए बने छात्रावास में सारी सुविधा रहने के बावजूद छात्राएं क्यों नहीं रह रही हैं, इसकी जांच कर तत्काल बालिका छात्रावास शुरू करवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि उच्च विद्यालय सैदपुर सहित भागलपुर जिले के 75 विद्यालयों के स्मार्ट क्लास हेतु प्रति विद्यालय 90,000 रुपये दिए गए हैं। शिक्षकों से जानकारी मिलने पर
स्मार्ट क्लास से संबंधित सामग्री विद्यालय में पहुंच गई है। इस पर उन्होंने घोर आश्चर्य व्यक्त कर कहा कि कल ही विद्यालयों के खाते में राशि का हस्तांतरण किया गया है। उन्होंने कहा कि राशि मिलने से पहले ही सामान खरीद होकर विद्यालय पहुंच गया, यह गंभीर बात है। उन्होंने कहा, मेरा कोई ऐसी एजेंसी नहीं है, हर हाल में प्रधानाध्यापकों को गुणवत्तापूर्ण सामान खरीदना होगा, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उच्च विद्यालय सैदपुर में अभी तक इंटर की पढ़ाई शुरू नहीं होने पर उन्होंने घोर आश्चर्य व्यक्त किया। विद्यालय के जीर्ण शीर्ण भवन का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि वास्तव में भवन काफ़ी पुराना व जंजर हो चुका है, कभी भी हादसा हो सकता है। उन्होंने 26 लाख रुपए की लागत से न 5 लाख रुपए की लागत से आधे अधूरे भवन को भी देखा। उन्होंने लिपिक को 5 लाख रुपए की लागत से बनाए जा रहे भवन का जेई से MB चढ़वाकर लाने का निर्देश दिया ताकि बची राशि हस्तांतरित किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस विद्यालय के छात्र मैदान में इधर उधर घूम रहे थे। नवगछिया जांगीपुर बैसी में कोसी नदी में डूबी 12 वर्षीय रुकैया का नहीं चल पाया अता पता। SDRF की टीम पहुंची जांगीपुर बैसी, खोज है जारी। पिछले बुधवार की दोपहर में जांगीपुर बैसी में कोसी नदी में नहाने के दौरान डूबी 12 वर्षीय रुकैया का अभी तक पता नहीं चल पाया है। डूबे बच्चे की खोज के लिए प्रशासन द्वारा SDRF की टीम बुलाई गई। SDRF की टीम के अलावा स्थानीय गोताखोरों की मदद से बच्चे को खोजा गया, लेकिन खबर लिखे जाने तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। घटना की सूचना मिलने पर गुरुवार को नौगछिया भाजपा जिला अध्यक्ष विनोद मंडल ने घटनास्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को ढाढ़स बढ़ाया। उन्होंने वहीं से जिला पदाधिकारी भागलपुर को मोबाइल के माध्यम से पूरी घटना की जानकारी दी एवं SDRF की टीम भेजने का आग्रह किया। इसके बाद SDRF की टीम द्वारा जांगीपुर बैसी पहुंचकर कोसी नदी में बच्चे की खोजबीन शुरू की गई। वहीं दूसरी ओर घटना के बाद रुकैया के परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। नवगछिया डोलबज्जा व कदवा में 0 से 1 साल के बच्चों को पिलाई रोट्रा वायलेंट की ड्रॉप्स। दस्त बीमारी की रोकथाम को लेकर सरकार के द्वारा पहली बार चलाया गया रोट्रा वायलेंट की ड्रॉप्स को बुधवार के दिन अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डोलबज्जा में चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने उद्घाटन किया। इसके बाद स्वास्थ्य केंद्र ढोलबज्जा दुर्गास्थान खैरपुर कदवा व उप स्वास्थ्य केंद्र कदवा प्रताप नगर में 0 से 1 साल तक के बच्चों के बीच ANM सोल्टी कुमारी ने ड्रॉप्स पिलाई, जिसका निरीक्षण कर रहे ढोलबज्जा के चिकित्सा प्रभारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि यह ड्रॉप्स 1 साल के बच्चों को पहली खुराक 1.5 माह, उसके बाद 2.5 माह, तीसरे माह 3.5 महीने पर दिया जाना है। नवगछिया मध्याह्न भोजन की जांच का निर्देश। DO मधुसूदन पासवान ने इस्माइलपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय जयमंगल टोला व मध्य विद्यालय डुमरिया के MDM मामले की जांच का निर्देश DPO MDM को दिया है। उन्होंने बताया कि जयमंगल टोला में सोयाबीन में कीड़ा मिलने पर छात्रों व अभिभावकों ने फोन पर सूचना देकर कार्रवाई की मांग की थी। मध्य विद्यालय डुमरिया में MDM मीनू के अनुसार नहीं देने की वीडियो वायरल हुआ था। उन्होंने बताया कि उच्च विद्यालय प्रवक्ता सहित अन्य विद्यालयों से मैट्रिक व इंटर के छात्र छात्राओं से परीक्षा फॉर्म भरने में तय शुल्क से अधिक राशि लेने की शिकायतें छात्रों व अभिभावक द्वारा लगातार मिल रही है। ऐसे में इस मामले की जांच सभी विद्यालयों में की जाएगी, दोषी HM पर कड़ी कार्रवाई होगी। नवगछिया में सदस्यता अभियान को लेकर बैठक। नवगछिया प्रोफेसर कॉलोनी स्थित भाजपा के नगर उपाध्यक्ष प्रवेश कुमार यादव के आवास पर 6 जुलाई से शुरू होने वाले सदस्यता अभियान को लेकर भाजपा की एक बैठक आहूत की गई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर आलोक सिंह मौजूद थे। बैठक की अध्यक्षता जिला उपाध्यक्ष प्रवेश कुमार यादव ने किया। इस अवसर पर चर्चा की गई कि 6 जुलाई से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदस्यता अभियान का उद्घाटन दिल्ली में किए जाने के बाद नवगछिया के कार्यकर्ता युद्ध स्तर से सदस्यता अभियान में जुट जाएंगे। प्रवेश यादव ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को भाजपा में जोड़कर पार्टी को और ज्यादा मजबूत बनाना हमारी पहली प्राथमिकता है। मौके पर प्रवेश यादव, नरेश शाह, अभिनंदन यादव, मनमोहन सिंह, नगर अध्यक्ष मुकेश राणा, जेम्स फाइटर, सलील कसेरा, अनीश यादव, राजीव कुमार, रवीश भारती सहित कई लोग उपस्थित थे। नवगछिया विवाहिता की खुदकुशी का प्रयास मामले में आरोपित पति को पुलिस ने भेजा जेल। खरीक थाना क्षेत्र के पूर्वी घरारी में बुधवार को विवाहिता बीबी बेगम खातून द्वारा आग लगाकर खुदकुशी करने का प्रयास मामले में आरोपित गिरफ्तार पति मोहम्मद सनोवर को खरीक पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। उक्त मामले में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है।
नवगछिया, विवाहिता के परिजनों ने गलत अभियुक्तिकरण के विरोध में पुलिस पदाधिकारी को दिया आवेदन। नवगछिया पुलिस जिला अंतर्गत खरीक थाना क्षेत्र के पूर्वी घरारी में खुदकुशी का प्रयास मामले में विवाहिता के पिता द्वारा निर्दोष लोगों को अभियुक्तकरण का कर दिए जाने से परेशान विवाहिता के ससुराल पक्ष के परिजनों ने वरीय पुलिस पदाधिकारी को समाज के लोगों द्वारा हस्ताक्षरित आवेदन देकर गलत अभियुक्तिकरण की प्रक्रिया से निर्दोष लोगों को मुक्त कराने की गुहार लगाई है। पुलिस पदाधिकारी को दिए आवेदन में ग्रामीणों का कहना है कि महिला को किसी ने आग लगाया नहीं बल्कि खुद झुलस कर जल गई है। नारायणपुर रोगी कल्याण समिति की बैठक। पीएससी नारायणपुर में गुरुवार को रोगी कल्याण समिति की बैठक चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर विजेंद्र कुमार विद्यार्थी के नेतृत्व में हुआ, जिसमें पीएससी के विकास, रोगी की समस्या सहित अन्य मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। मौके पर प्रोफेसर राजेश कुमार, प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, डाटा ऑपरेटर अनिमेश झा, स्वास्थ्य प्रबंधक शैलेश कुमार, डॉक्टर विनोद कुमार, ब्रजेश अभय सहित अन्य कर्मी मौजूद थे। नारायणपुर भवानीपुर थाना में जब्त शराब का हुआ विनिष्टीकरण। नारायणपुर के भवानीपुर थाना परिसर में गुरुवार को जिला पदाधिकारी के आदेशानुसार उत्पाद अधीक्षक नारायणपुर सीओ व भवानीपुर थाना प्रभारी के समक्ष 67.68 लीटर शराब का विनिष्टीकरण जेसीबी के द्वारा गुरुवार को किया गया। भवानीपुर थाना अध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि अप्रैल माह में शराब भगवान पेट्रोल पंप के पास ऑटो से खगड़िया जिले के एक ही परिवार के महिला व पुरुष तस्कर के साथ ऑफिसर च्वाइस के 624 पाउच शराब बरामद हुआ था। मौके पर एसआई गणेश सिंह, ASI सुभाष यादव सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी, कर्मी व जवान मौजूद थे। भमरपुर डिग्री महिला कॉलेज में शिक्षक प्रतिनिधि के लिए बनी सहमति। नारायणपुर के LNBJ डिग्री महिला कॉलेज भमरपुर में गुरुवार को भागलपुर विश्वविद्यालय द्वारा अधिसूचना पत्रांक 112/19 के आलोक में कॉलेज परिसर में बैठक कर चर्चा की गई, जिसमें सर्वसम्मति से अर्थशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रोफेसर जयंत कुमार झा को शिक्षक प्रतिनिधि बनाने के लिए आपस में सहमति बनी। मौके पर प्राचार्य प्रोफेसर राजीव रंजन झा, NSS पदाधिकारी प्रोफेसर बसंत कुमार मिश्र, राजीव मिश्र, सत्यनारायण झा, राजीव झा, विनोद कुमार राय, पंकज कुमार मिश्र, सुदीप कुमार, प्रभात रंजन ठाकुर, डॉक्टर अजीत कुमार सहित अन्य शिक्षक व शिक्षकेत्वर कर्मी मौजूद थे। भागलपुर प्रमंडल का एक उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल अफिलियेटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, नर्सरी टू 10+2 कोएड इंग्लिश मीडियम डे कम रेसिडेंशियल स्कूल अलॉन्ग विद IIT एंड मेडिकल प्रिपरेशन। दीक्षा इंटरनेशनल स्कूल, इब्राहिमपुर, सबौर, भागलपुर। फॉर एनी इंक्वायरी प्लीज डायल 9934855177 और 7739555। नवगछिया की सर्वश्रेष्ठ फर्नीचर दुकान माँ अम्बे इंटरप्राइजेज, तित्री दुर्गा स्थान नवगछिया एवं सिंधिया मकनपुर लालजी मध्य विद्यालय के सामने। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय अत्याधुनिक शिक्षण प्रणाली के तहत अवेलेबल है। आपके आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय में 1 से लेकर क्लास 8 तक के लिए कंप्यूटर क्लास की व्यवस्था, साथ ही हॉस्टल फैसिलिटी बेहद ही उत्कृष्ट है। आवासीय ज्ञानदीप विद्यालय नया टोला नवगछिया। नवगछिया में पहली बार 8वीं, 9वीं एवं 10वीं की कक्षा एक छत के नीचे, वो भी स्मार्ट क्लास के साथ, ताकि आपके बच्चे सीखे सजीव चित्रण देखकर। नेचर क्लासेस प्रेजेंटेड बाय पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नवगछिया। अभिभावक से विशेष आग्रह, कृपया नामांकन के पूर्व कोचिंग संस्था का निरीक्षण जरूर करें, क्योंकि आपका विश्वास ही हमारा सफल योगदान होगा। संपर्क सूत्र अमित कुमार, संचालक पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, थाना रोड, नवगछिया। नामांकन आज ही कराएं। कौशल केमिस्ट्री क्लासेस उत्तर बिहार का गौरव, अ इंस्टीट्यूट दैट ऑलवेज थिंक्स अबाउट योर गोल। 11वीं एवं 12वीं में केमिस्ट्री की पढ़ाई हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों माध्यम में। संपर्क करें कौशल सर, बाल भारती इंग्लिश मीडियम गेट के सामने, गौशाला रोड, नौगछिया। मोबाइल नंबर 8298-59-20-36। सब्सक्राइब करें गोसाई गौ समाचार चैनल को, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन तुरंत।